हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेरिडोफाइट्स। सो फ्रेंड्स, एल्गी और ब्रायोफाइट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो इनके जो फीचर्स हैं आपको वो तभी याद होंगे जब आप इससे पहले के जो प्लांट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को याद रखोगे। ऐसा क्यों? बिकॉज दीज प्लांट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे से रिलेट करेगी तो आसानी से याद हो सकती है। जैसे मैंने बोला था, एल्गी कंप्लीटली एक्वेटिक होती है, पानी में मिलेंगी। फिर ब्रायोफाइट्स आए जो कि जमीन और पानी दोनों जगह पर रहते हैं। सॉइल के अंदर वो लिव करेंगे, रहेंगे और वाटर के ऊपर डिपेंड करेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए एज अ मीडियम। ठीक है, अब जो टेरिडोफाइट्स हैं इनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू हैव वास्कुलर टिश्यूज। अब ये जो लाइन मैंने यहां पर लिखी है इसका मतलब क्या है? देखिए, एक वर्ड है यहां पर टेरेस्ट्रियल, इट मींस कि ये जो प्लांट है टेरिडोफाइट्स वो जमीन पर मिलेंगे। दूसरा मैंने बोला इनके पास वास्कुलर टिश्यूज भी है। तो ऐसा क्यों है कि जो टेरिडोफाइट्स है वो सबसे पहले ऐसे प्लांट है? क्या इससे पहले जो प्लांट्स आए थे उनके पास वास्कुलर टिश्यूज नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, ना ही एल्गी के पास और ना ही ब्रायोफाइट्स। ठीक है ना? तो यहां पर बोला जा रहा है टेरिडोफाइट्स सबसे पहले ऐसे प्लांट है जिनके पास वास्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम होंगे। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? जो जाइलम है उसका जो फंक्शन होता है वाटर, मिनरल्स, सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड हॉर्मोन्स, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करना है। और फ्लोएम का फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अब यहां पर हमने देख लिया कि इनको टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? दीज आर सीडलेस, यानी कि क्रिप्टोगैमी के अंदर आते हैं, इनके पास सीड्स नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, ये जो टेरिडोफाइट्स होंगे ये कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में मिलेंगे। कूल, डैम्प एंड शेडी एरिया। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अकरेंस होती है इनकी वो एक लिमिटेड रीजन तक है। ऐसा क्यों? एक तो इनको स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, ऊपर से इनको वाटर की भी डिमांड होती है एज अ मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए जो एक्चुअल में जो ग्रोथ होती है टेरिडोफाइट्स की वो रिस्ट्रिक्टेड होती है टू अ वेरी लिटिल ज्योग्राफिकल एरिया। ऐसा नहीं है कि कहीं भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, नो। इनकी जो ग्रोथ होती है, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कुछ ही ज्योग्राफिकल एरिया पर। ठीक है, नाउ दे इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न्स। ये इनके एग्जाम्पल है, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। ठीक है, FERLS। अब इसके बाद और क्या क्या फीचर्स होंगे जब आप इनको स्टडी करोगे? तो जो उनका डोमिनेंट फेज होता है यानी कि इंडिपेंडेंट जो फेज होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है। ये डोमिनेंट और दी प्रीडोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फेज, डोमिनेंट फेज क्या होगा? स्पोरोफाइटिक। इट मींस द टेरिडोफाइट्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, 2N होंगे, डिप्लॉयड होंगे, उस स्टेज को स्पोरोफाइटिक स्टेज कहते हैं। इनके अंदर जो लीव्स प्रोड्यूस होती है वो स्मॉलर भी हो सकती है और लार्जर भी हो सकती है। स्मॉलर लीव्स और लार्जर लीव्स, जो इनके अंदर स्मॉलर लीव्स मिलेंगी उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला के अंदर बहुत ही छोटी छोटी लीव्स मिलती है एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रोफिल्स। और जो फर्न्स होते हैं इनके अंदर बड़ी बड़ी लीव्स मिलेंगी तो उनको बोलेंगे मैक्रोफिल्स। दीज आर कॉल्ड मैक्रोफिल्स। एक एग्जाम्पल है सेल्विनिया का, जो कि एक्वेटिक फर्न होता है। आपको याद रखना है सेल्विनिया क्या है? एक्वेटिक फर्न होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में देखे। और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं देख लेते हैं। आप इसके अंदर देखोगे कि जो टेरिडोफाइट्स हैं दीज आर बोथ होमोस्पोरस एज वेल एज हेट्रोस्पोरस। होमो का मतलब होगा दैट दे प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर, और हेट्रो का मतलब होता है दे विल प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। तो हम यहाँ पर मैंशन कर लेते हैं, आप एक कॉपी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर होमो और हेट्रो के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, लेट मी राइट इट हियर. इट कुड बी होमोस्पोरस, होमोस्पोरस या फिर हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेट्रोस्पोरस. तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है इसमें, जब हम होमोस्पोरस की बात करेंगे तो हमने लिख लिया ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स. जबकि हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या है, टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. अब ये जो दो तरीके के स्पोर्स है इनका कुछ नाम होगा, तो आप देखोगे जो यहाँ पर मेल स्पोर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स, एंड द फीमेल स्पोर्स आर कॉल्ड मेगास्पोर्स. तो ये इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, माइक्रो इज फॉर मेल एंड मेगा इज फॉर फीमेल. अब जैसे कि मैंने बोला था कि डोमिनेंट फेज होता है क्या, स्पोरोफाइट, ठीक है. तो इनके अंदर जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होगी वो हैप्लोइड होती है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है. सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल होंगे. मेल सेक्स ऑर्गन का नाम अगेन एंथ्रीडियम होता है, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था. फीमेल का नाम आर्किगोनियम होगा, ठीक है. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये स्पोर्स करेंगे क्या, दीज स्पोर्स विल गिव राइज टू अ स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस गैमेटोफाइटिक स्टेज जो कि फ्री लिविंग होगी और हैप्लोइड होगी. तो लिख लेते हैं दी स्पोर्स give rise to small but multicellular inconspicuous. उसके आगे क्या था, free living gametophytic stage जिसको हम prothallus कहते हैं, free living gametophytic stage, gameto फाइट. और इस स्टेज को हमने क्या बोला है, प्रोथेलस. आपको याद रखना है स्मॉल है, मल्टीसेल्युलर है, इनकॉन्स्पिशियस है, साथ साथ फ्री लिविंग है, एंड गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लोइड स्टेज होगी. सो दिस वन इज कॉल्ड प्रोथेलस, ठीक है. अब पता है क्या होता है, यहाँ पर स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफाइट्स. हम किसकी बात कर रहे हैं, टेरिडोफाइट्स की. दे हैव स्पोरोफाइट्स. Sporophiles are those structures that contain sporangia. Sporangia मतलब क्या है? ये एक ऐसा group of cells है जिनको sporogenous cells कहा जाएगा. And these cells have mother cells. मतलब वो gamete mother cell होंगे जिनके अंदर meiosis होती है और वो gametes को produce करते हैं. अब यहाँ पर जो gametes produce होंगे male भी हो सकते हैं, female भी हो सकते हैं, right? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो इसमें आपको याद रखनी है वो क्या है, वो लाइन ये है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज मैंने बोला वो फिर से बता रही हूँ स्पोरोफाइटिक है. तो जो गैमेटोफाइटिक स्टेज की डेवलपमेंट होगी ना वो स्पोरोफाइटिक बॉडी के ऊपर ही होती है. तो हम लिख रहे हैं इन हेट्रोस्पोरस स्पीशीज The female gametophyte retain on parent body for variable time period. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये जो gametophyte की development होती है वो heterosporous plant body के ऊपर ही होगी, ठीक है. सारा नरिशमेंट वो उससे लेगी. और इनके अंदर कुछ ऐसे भी है जो कि सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है. और उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक रीजन मैं बता देती हूँ, मेगास्पोर्स के सराउंडिंग में कोई भी इंट्यूगमेंट प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर कोई भी सीड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाती है, ठीक है. साथ ही साथ आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है फीमेल गैमेटोफाइट की ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट प्लांट, ये आगे चल के एक बोल सकते हैं प्रीकर्सर हो सकता है सीड फॉर्मेशन का, ठीक है. तो हमने लिखा है यहाँ पर दे शो द प्रीकर्सर फॉर सीड हैबिट, सीड
हैबिट। पता है इस लाइन का मतलब क्या है, प्रिकर्सर फॉर सीड हैबिट। इस लाइन का मतलब ये है कि आगे चल के जब इवोल्यूशन होगा तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये हेल्प कर सकता है सीड की फॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है टेरिडोफाइट्स का। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, लीव्स अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, स्पोर्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर स्पोरोफाइलस प्रेजेंट होगा। कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनमें ये स्पोरोफाइलस बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। तो यहाँ पर सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है एंड दिस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। इसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं या फिर कोन कहते हैं। यहाँ पर ही सारे के सारे सेल्स जो मैंने बनाए हैं दीज आर स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजिया है, मान लीजिए ये एक स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे गैमेट मदर सेल एंड दीज गैमेट मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पर चार स्पोर्स बन गए हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिखाता है कि गैमेटोफाइटिक स्टेज की फॉर्मेशन कैसे हो। तो चलिए एक बार फटाफट से एग्जांपल्स देख लेते हैं होमोस्पोरस एंड हेटरोस्पोरस के एंड देन वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो दो एग्जांपल हम यहाँ पर होमोस्पोरस के पढ़ रहे हैं। एक हो सकता है लाइकोपोडियम एंड द अनदर वन इज ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम हेटरोस्पोरस की बात करते हैं, हेटरोस्पोरस के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सिलेजिनेला, सेलेजिनेला एंड सल्विनिया, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हेटरोस्पोरस के एग्जांपल्स। एंड नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को फोर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, उन सभी क्लासेस के नाम और एटलीस्ट एक एक एग्जांपल तो हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सी क्लासेस है। सो देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो ये चारों क्लासेस है ना वो बेसिक कैटेगरीज है और इसमें आप अलग अलग जो एग्जांपल्स पढ़ोगे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सिलोसिडा एक ये एग्जांपल, एक क्लास हो सकती है इसकी। देन सेकंड क्लास क्या हो सकती है, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, ठीक है। लाइकोप्सिडा हो सकती है, लाइकोप्सिडा। And then fourth could be Pteropsida. So ये जो classes की हम बात कर रहे हैं इनमें कौन कौन से examples आते हैं, फटाफट एक एक example at least सबका देख लेते हैं। यहाँ पर आप example में Psilotum, PSILO, Psilotum पढ़ सकते हो। जो यहाँ पर Sphenopsida है ये एक ऐसी क्लास है जिसका एक एग्जाम्पल इक्वल स्टेम आप पढ़ेंगे। देन Lycopsida में Selaginella आता है, Selaginella। एंड द अनदर एग्जाम्पल कुड बी लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। जो टेरोप्सिडा है इसका भी एक एग्जाम्पल आप टेरोप्सम पढ़ सकते हैं, इसके अलावा सल्विनिया भी इसी के अंदर आता है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल, या फिर ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। सो दीज आर दी, एक एडियंटम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एडियंटम। तो ये आपको जरूर याद रखना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉकिंग फर्न। इसको हम कहते हैं वॉकिंग फर्न, ठीक है। तो वॉकिंग फर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लीव्स होती है ना उनके टिप्स पर बहुत सारे बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही वो मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो जहां जहां वो कांटेक्ट में आती रहेंगी वहीं से न्यू जो ब्रांचेस है वो प्रोपगेट होती रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो एडियंटम है ये क्या है, वॉकिंग फर्न, राइट। तो ये तो हमने पढ़ लिया टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर्स के बारे में, साथ ही साथ उनकी क्लासेस के बारे में। अब इनकी कोई ना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस होगी, तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला पॉइंट, ये प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को, प्रिवेंट्स या फिर प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मेडिसिनल पर्पस के लिए इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मेडिसिनल पर्पस में मतलब अलग अलग तरीके की दवाइयां बनाने में, एंटीसेप्टिक बनाने में इनको यूज किया जाएगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो सकता है वो ऑर्नामेंटल पर्पस हो सकता है, ऑर्नामेंटल पर्पस। बेसिकली इनके डेकोरेशन के लिए लीव्स को यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लीव्स होती है इनकी। चौथा हो सकता है कि ये जो टेरिडोफाइट्स है ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं, है ना, ये होल्ड करके रखते हैं सॉइल को। तो यहाँ पर इसी वजह से वो हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन में भी।
और एक और हो सकता है कि इनको क्लिंजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, क्लिंजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें सिलेजिनेला का एग्जांपल आ सकता है, क्लिंजिंग एजेंट भी साफ करने में और पॉलिशिंग में भी, एंड पॉलिशिंग ऑल्सो, पॉलिशिंग। एक और मुझे याद आ गया इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है, दीज आर ऑल्सो यूज एज अ फूड सोर्स, क्योंकि एक एग्जाम्पल है मार्सेला, ये एक ऐसा टेरिडोफाइट है विच इज रिच इन स्टार्च, इसमें जो स्टार्च का अमाउंट है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए इसको एक बहुत ही अच्छे एनर्जी के सोर्स की तरह या फिर फूड की तरह भी यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। अगर आपको फिर भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।